नहीं देख रहे जैसे मैं दे रहा हूं उनके उपस्थिति से ही उनके जो व्यक्तिमत्व कहते पर्सनालिटी में इतनी पवित्रता थी कि उस पवित्रता को देख के ही लोग इतने आकर्षित होते थे और जिसको बोलते हैं कि गॉड इंटॉक्सिकेटेड सब लोग ठीक करते हैं। यदि लोगों को अनुभूति यदि नहीं भी होती हो लेकिन कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता था कि सच में ये संसार इतना झूठा है, झूठा है जैसे इतना खोखला है जिसमें कुछ नहीं है। हम जिंदगी में अपने कुछ प्राप्त इतना स्ट्रगल करते हैं, पूरा लाइफ स्ट्रगल करते हैं ये पाने के लिए, वो पाने के लिए, ये पाने के लिए, और एक दिन ऐसा कुछ होता है कि हमको अपने जिंदगी की कुछ घटनाएं सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि अरे मैंने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ कमाया उसका क्या यही फल मिला। पर अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें हमको अपनी जिंदगी के बहुत जिसको कहते हैं कि लास्ट जो स्टेज होती तब मालूम पड़ता है जब हम रिटायर हो जाते हैं। सब कुछ हमारे घर में रहता है, अच्छा फ्लैट है 3 बेडरूम का, अच्छे लोकेलिटी में है, कार है, इंश्योरेंस हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस है, पेंशन है, फिर भी मन में कुछ इस वजह से एम्प्टीनेस फील करते हैं। तो एम्प्टीनेस क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारे जिंदगी में हमने अपने पूरे लाइफ में भगवान को कोई स्थान नहीं। तो क्या होता है कि शुरुआत में तो हमको जब यंग रहते हैं तब लगता है कि अरे बस ये कमाना है, वो कमाना है, पैसे कमाना अच्छी बात है, मटेरियल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए जिंदगी में, लेकिन सिर्फ उतना ही लेके आदमी सुखी नहीं हो सकता। और फिर सब कुछ होने के बावजूद जिंदगी में ऐसा लगता है कि अरे कुछ तो भी हमारा मन को खा रहा है, कुछ कुछ कमी हमारे जीवन में महसूस हो रही है। और इसीलिए फिर क्या होता है कि संस्कृत में एक बहुत अच्छी बात है, आहार निद्रा भय मैथुन एतत् चतुर्भिः पशुभिः नराणां तेषां धर्मो विशेषो अधिको धर्मेण हीनां पशुभिः समानः। कि आदमी यदि हम जिंदगी के जब 60-65 की उम्र में पहुंचते हैं, सब कुछ सिक्योरिटी है लाइफ में, बच्चे भी सेटल हैं, फिर भी कुछ जो हमारे मन में एक एम्प्टीनेस जो फील होता है, खोखलापन जो महसूस होता है, क्यों होता है? तो ये श्लोक बहुत अच्छा कहता है कि देखो हम में और जो एक जानवर है उसमें क्या समानता है। देखो आहार निद्रा भय मैथुन च, हमको भी भूख लगती है और पशु को भी भूख लगती है, हम भी कुछ अपना पेट भरने के लिए कुछ स्ट्रगल करते हैं, पशु भी यहाँ वहाँ घूम के कुछ चरने की कोशिश करता है, तो ये तो दोनों में समान हो गई बात, कोई अंतर ही नहीं हुआ। आहार निद्रा, हम जब थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं कुछ विश्रांति पाने के लिए, और वैसे ही जानवर भी जब थक जाता है वो भी कहीं सो जाता है, तो ये भी चीज समान हो गई। आहार निद्रा भय, हमको भी डर लगता है कि अरे हमारा भविष्य में क्या होगा, सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है, फिर भी अरे ये रोग हो जाएगा क्या, वो रोग हो जाएगा, बच्चे घर से निकाल देंगे तो, हजार प्रकार के भय, नौकरी चली गई तो, कितने प्रकार के भय हमारे दिमाग में रहते हैं और वो हमको हमेशा तकलीफ देते रहते हैं। तो या फिर हमारा किसी की झगड़ा हो जाए तो वो हमको कुछ नुकसान कर सकता है, ऐसे हजार प्रकार के भय, प्रत्येक मनुष्य को अलग अलग प्रकार के भय होते हैं, वैसे ही पशु को भी बहुत प्रकार के भय होते हैं, वो सिर्फ एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं। और सबसे आखिरी मतलब मैथुन, कि साधारण मनुष्य के भी बाल बच्चे होते हैं और एक जानवर के भी बाल बच्चे होते हैं। तो देखो ये चार चीज हमें भी पाई जाती है, जानवर में भी पाई जाती है, तो क्या हम जानवर हो गए क्या? नहीं, क्यों? ये श्लोक है जिसका दूसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कहते हैं तेषाम धर्मो विशेषो अधिको धर्मेण हीना पशुभिः समानः। कि मनुष्य और जानवर में यदि चार चीजें समान हैं, फिर भी एक विशिष्ट चीज जो एक हर मनुष्य में पाई जाती है वो है कि एक मनुष्य यदि चाहे तो, मैं आप ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूँ चाहे तो, वो एक धर्म जीवन, एक ईश्वर केंद्रित जीवन जी सकता है। और यदि एक जानवर चाहे तो वो क्या ईश्वर केंद्रित जीवन जी सकता है क्या? आपने कभी सुना क्या कि एक हाथ गाय उसने ईश्वर प्राप्ति की अपनी जिंदगी में,
एकाध कुत्ता वो कोई एक संत बन गया, कभी सुना क्या आप? ये पॉसिबिलिटी सिर्फ ह्यूमन लाइफ में होती है कि उसका जन्म तो होता है नरेंद्रनाथ दत्त कह के, पर जब वो उसका मृत्यु होता है तो वो उसका विवेकानंद में रूपांतरण हो जाता है। तो ये ताकत सिर्फ मनुष्य में भगवान ने दी है। तो ये जो सुभाषित कहने का पीछे तात्पर्य क्या है एक संत का, कि देखो जिस आदमी के जीवन में धर्म या ईश्वर केंद्रित जीवन नहीं है, वो सिर्फ आहार निद्रा भय और मैथुन के पीछे ही यदि वो भागता है या उसी को सच मान के जीवन जीता है, तो उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। फिर वो कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना भी बड़ा IAS ऑफिसर हो, कितना ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितना बड़ा इंजीनियर हो, लेकिन उसके जिसकी जिंदगी में कुछ उद्दिष्ट नहीं है, जिसके जीवन में कुछ एक ऊंचा आदर्श नहीं है, जो अपने को एक स्पिरिचुअली डेवलप करना नहीं चाहता है, तो उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वही एक आदमी जो अपनी जिंदगी में एक गॉड सेंटर्ड लाइफ जीता है, अपने को जो जहाँ से उसका जन्म हुआ, जिस संस्कार में उसका जन्म हुआ, उससे ऊपर यदि वो जाना चाहता है, तो उसी को मनुष्य कहते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान योग के एक व्याख्यान में बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अ मैन इज अ मैन अंटिल इट ट्राइज टू गो बियॉन्ड द नेचर, कि एक आदमी को आदमी तब ही कह सकते हैं जब वो अपनी अंत प्रकृति से ऊपर उठना चाहता है। अंत प्रकृति मतलब प्रत्येक आदमी की इच्छा करता है कि अरे मैं आराम से खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा बहुत पैसा कमाऊंगा, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना, पर ये जिंदगी नहीं है। तो जो स्वामी जी कहते हैं कि मैन इज मैन एंड इट ट्राइज टू गो बियॉन्ड इट्स नेचर, मतलब क्या है कि उसकी ये जो साधारण टेंडेंसीज हैं, साधारण संस्कार है जो एक पशु में भी पाए जाते हैं, उसके ऊपर जाने की यदि वो कोशिश नहीं करता है तो वो एक साधारण जानवर जैसा ही है। और एक जगह वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इट इज ग्रेट एंड ग्रैंड टू कंट्रोल द एक्सटर्नल नेचर बट स्टिल ग्रैंडर टू कंट्रोल द इंटरनल नेचर, कि हम जो बाहर देखते हैं कि मनुष्य ने इतनी प्रगति की है पिछले 7-10 हजार साल में कि उसने प्लेन बनाए, शिप बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, ब्रिज बनाए, और आज तो आप यहाँ बैठ के अपने दोस्त से एक सेकंड में अमेरिका में बात कर सकते हैं बिल्कुल बहुत कम पैसे में। यहाँ से आप एक ईमेल भेजेंगे तो 2 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाती है। कितनी प्रगति की है, मतलब ये क्या किया मनुष्य ने, मनुष्य ने ये एक्सटर्नल नेचर को कंट्रोल किया है और उसको प्रगति उसकी ये बाह्य जो प्रकृति है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है। आज यदि हमको यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर बम डालना है तो पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पुणे के कैंटोनमेंट से एक ट्रिगर दबाया तो पाकिस्तान की हम नाक चपटी कर सकते हैं। इतनी ताकत, इतने डेवलपमेंट हम बाह्य प्रकृति के ऊपर हमने कंट्रोल प्राप्त किया है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि स्टिल ग्रैंडर इज टू कंट्रोल द इंटरनल नेचर। प्रत्येक मनुष्य के मन में देखो 6 शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, और ये सब चीजें उसको साधारण स्तर पर जानवर के स्तर पर ले जाती है। लेकिन जब मनुष्य इन सब चीजों को कंट्रोल करके उसके अंदर जो डिविनिटी है, जो दिव्यत्व है, स्वामी जी कहते हैं कि इट सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द ऑब्जेक्ट इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद हिम, कि प्रत्येक मनुष्य में दिव्यत्व ये छुपी हुई है। क्यों छुपी हुई है क्योंकि उसके ऊपर ये जो कचरा पड़ा है, कौन सा कचरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर का। यदि वो कचरा साफ करे तो उसके अंदर जो दिव्यत्व है, जो दैवी शक्ति है, उसका प्रकटीकरण होगा और वो उसको जो एक साधारण मनुष्य है उससे ऊपर बढ़ा के एक जिसको बोलते हैं कि दिव्य पुरुष, उसमें जो दिव्यत्व होता है वो उसको प्रकटीकरण उसका कर सकेगा। देखो स्वामी जी का जन्म तो हुआ एक साधारण लड़के के हिसाब से, नरेंद्रनाथ दत्त, लेकिन अपने जो उसकी जो उनकी जो एक शक्ति थी कि नहीं मुझे एक अच्छा आदमी बनना है, यदि मुझमें एक दिव्यत्व है उसका प्रगतिकरण करना है, तो ये सोच के वे श्री रामकृष्ण के पास में जाते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा मतलब कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं, वो शिक्षा प्राप्त करके वो अपने जीवन में सिविलिटी को मैनिफेस्ट करते हैं। ऐसी छोटी सी घटना श्री रामकृष्ण के जीवन में भी होती है, जब वो कामाठपुर से आते हैं कलकत्ता, तो कलकत्ते में जब वो आते हैं तो उनको कहते हैं उनके बड़े भाई रामेश्वर जी कि अरे तुम बड़े हो गए हो, अब तुमको अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, यहाँ कलकत्ते में मेरी बहुत पहचान है, तुम घर घर जाकर
पूजा करो तो उसके बदले में हमको कुछ पैसे और चावल मिलेगा जिससे हमारा संसार चल सकेगा। तो ठाकुर क्या उत्तर देते हैं कि दादा मैं ये केला और चावल कमाने की विद्या नहीं सीखना चाहता, मैं वो विद्या सीखना चाहता हूँ जिससे मनुष्य जीवन धन्य हो। देखिए तो हम साधारण लोग क्या करते हैं, वो केला और चावल प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं और पूरा जिंदगी उसको कमाने में अपनी सिक्योरिटी हम सोचते हैं कि अरे मैं मेरा लाइफ जितना सिक्योर होगा उतना अच्छा होगा। अरे भाई पर अंत में एक दिन यमराज आएंगे और तो कहने का क्या मतलब है कि मनुष्य का जो लाइफ होना चाहिए वो गॉड सेंटर्ड होना चाहिए जिससे यदि हमारे अंदर जो दिव्यत्व है उस जो दिव्यत्व का प्रकटीकरण हुआ तो फिर हम ये जन्म मृत्यु के जो चक्र से छूट जाएंगे और सही अर्थ में ये जिस उद्देश्य से हमारा मानव जीवन हमने जो मानव देह मिला है उसका जो सही जो एक उद्देश्य है वो हम प्राप्त यदि कर सके तो ये शरीर धारण करना एक जिसको बोले सार्थक हुआ। नहीं तो क्या है तो जैसे ही जानवर के समान वो चार चीजों में हम लोग यदि इन्वॉल्व होते रहे तो फिर पुनरपि जन्म जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरेश है ये हमेशा चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। तो आप सब लोग के बीच में यहाँ पे आकर मुझे बहुत खुशी हुई हम दोनों यहाँ पर आ सके। सुबह से सोच रहे थे कि आना होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर क्योंकि इसके बाद मुझे 3:30 में मठ पहुँचना है पर मैंने स्वामी से विनती की वो तैयार हुए 12 बजे तक हम अपने काम पूरे कंप्लीट किए मठ में 12 बजे निकले और आपके पास में आए। इतना सुंदर भजन स्वामी जी गाए, आप सब लोगों ने इसका एंजॉय किया। तो इन शब्दों के साथ ही मैं आप सब लोगों को शुभेच्छा देता हूँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि जिससे आप लोगों का जीवन धन्य हो और इसी के साथ मैं दो शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।